गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं बच्चे लोग? चलिए आज हम लोग मैथ्स में क्या पढ़ेंगे, लेस देन मीन्स क्या होता है? छोटा। लेस देन मीन्स छोटा। देखिए इधर वरुण हैज 4 काइट्स, कपिल हैज 5 काइट्स। तो सबसे कम किसके पास है? तो काइट वरुण के पास सबसे कम है और कपिल के पास ज़्यादा है। तो देखिए वरुण हैज लेस काइट 4, 4 काइट्स आर लेस देन 5। 5 क्या, 4 क्या है? लेस देन है 5 से। तो देखिए तो वी राइट इट एज 4 और लेस देन दिया हुआ है 5, यानी कि 5 के तरफ मुंह खुला हुआ है, 4 के तरफ बंद है। तो इसको क्या बोलते हैं? लेस देन 4 लेस देन 5, 4 लेस देन 5। लेस देन का सिंबल कैसे रहेगा? जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा वो ग्रेटर देन, जिधर मुंह बंद रहेगा वो लेस देन। तो इसका मतलब क्या होता है? लेस देन। देखिए फिगर में फिल इन द बॉक्सेस, काउंट करना है 1 2 3। तो 3 लिखे हैं, 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे। देखेंगे सो बड़ा कौन है, तो उधर का मुंह करेंगे, जो बड़ा रहेगा उधर का मुंह होगा और जो छोटा रहेगा उधर बंद रहेगा, ठीक है। सेकंड में देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखेंगे। जो छोटा रहेगा उसके तरफ मुंह नहीं करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसके तरफ मुंह करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? लेस देन। इसी तरह आपको बना लेना है पूरा 1 2 3 4, 4 यहाँ लिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ लिखेगा। तो मुंह किधर होगा? 7 के तरफ होगा और 4 के तरफ क्या होगा? बंद होगा। ओके, यहाँ तक बना लीजिएगा। देखिए हम लोग इंग्लिश में क्या करेंगे, बुक होगा, बुक में बना लीजिएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या होता है? गुण। सम वर्ड्स शो द क्वालिटी ऑफ द पीपल, पैलेस, एनिमल एंड थिंग्स अराउंड अस, सच वर्ड हैज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि लोगों का गुण, पैलेस मतलब जगह, एनिमल मतलब जानवर, थिंग्स मतलब और भी कुछ। रीड एंड स्पीक लाउड। देखिए यहाँ पे एक वुमेन है ना, ए फैट वुमेन, यानी कि वुमेन का क्या बता रहा है? कि वुमेन मोटी है। ए बिग एलिफेंट, एलिफेंट क्या है? बड़ा है। ए सेड लेड, मतलब वाई क्या है? वाई मीन्स लड़का होता है, लड़का क्या है? उदास है। ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। द मैन इज ओल्ड, ही इज ए थीन मैन, थीन मैन मीन्स क्या होता है? पतला लड़का। द एग इज बिग, एग मीन्स अंडा, अंडा क्या है? बड़ा है। तो इसको ऐसे ही आप लोग को बना लेना है। मैच द एडजेक्टिव विद द पिक्चर। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। तो सुंदर इसमें कौन सी, कौन क्या है? तो गर्ल्स है, तो गर्ल्स में क्या करेंगे? मिलान करेंगे। गर्ल्स में क्या करेंगे? मिलान कर। बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा क्या है? एलिफेंट। हैवी मीन्स क्या होता है? भारी। तो भारी क्या है? बॉक्स। हॉट मीन्स क्या होता है? गरम। गरम क्या होता है? चाय। बना लीजिएगा यहाँ तक और इसको याद कीजिएगा, पूरा बोल बोल कर याद कीजिएगा और इसको समझ समझ के बनाइएगा। देखिए अ की मात्रा से 10 शब्द लिखे, अ की मात्रा से 10 शब्द लिखे, तो क्या होगा? गौतम, गौतम, कौन, कौन, गौरव, गौरव। देखिए अ की मात्रा से 10 शब्द लिखे, तो अ की मात्रा से क्या क्या होता है?
गौतम, कौन, गौरव, इसी तरह आपको 10 शब्द लिखना है और बुक में देखिए बोल बोल कर लिखिएगा। गौतम देखो कौन आया है, जौनपुर का सेठ दौलत राम आया है, उसका घर चौवारे वाला है, उसका एक लड़का है गौरव, आज के दिन गौरव पैदा हुआ था, नौकर और चौकीदार तैयारी कर रहे थे, सभी दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे, हलवाई चौकी पर बैठकर खाना बना रहा था, वह कचौड़ी और पकौड़ी बना रहा था, सौरभ के साथ मौसा जी भी जौनपुर से आए, वे गौरव के लिए खिलौना लाए, सौरभ गौरव के लिए पौधा लगाया, सभी ने मौज से भोजन खाया किया। यहाँ तक बनाइएगा और पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, सारा होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा।